नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियोस लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ताना कैसे तानते हैं और किस प्रकार से स्टार्टिंग करते हैं, वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी हालांकि मैंने बताया था ताना कैसे तानते हैं, माही कैसे गुथी जाती है, उनके बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाए दोस्तों, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएगा ताना के बारे में और माही के बारे में, तो वो आप विजिट कर लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सीधे चारपाई पे दोस्तों, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर का कमेंट आता है मेरे को शुरू से बताइए। तो फिर से मैं आपको देखो माई कैसे गुथी जाती है, दावणी कैसे डाली है, ये आपको पार्ट वन में मिल जाएगा और ये आप पार्ट टू देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस प्रकार से बांध लीजिए दोस्तों। देखो ये होल देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको रस्सी को बांध लेना है। देखो ये मैंने बांध दिया है, फिर इसमें एक किल्ली डाल लीजिए, बहुत ही आसानी से डल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, देखो इस प्रकार से लेना है। यह आप पहले स्टेप देख लीजिए क्योंकि ये सबसे मेन है, यहाँ से आप देख लीजिए तो यही सबसे मेन है। देखो इस प्रकार से लेंगे और नॉर्मल आपको रस्सी यहाँ से लेना है और इसको यहाँ से पकड़ के रखना है एक मिनट और इसके नीचे से आपको ले लेना है दोस्तों। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, ये सबसे पहली रस्सी का ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे चलिए, बस एक दो रस्सी में ही दिक्कत आती है, बाद में नहीं आती। यहाँ पे ले लीजिए ये पहली रस्सी, क्या करेंगे यहाँ माई से ले लेंगे दोस्तों। ये भी आप चाहे तो माई से ले सकते हैं या आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं दोस्तों, आपके ऊपर है दोनों बात। तो यहाँ से आपको ले लेना है, देखो टाइट भी मत रखिए और नॉर्मल भी, आपको नॉर्मल रखना है रस्सी को। और यहाँ से दूसरी के लिए डाल दिया, अब देखिए यहाँ पर आपको रस्सी लेनी है। इस प्रकार से मैं नॉर्मल रखता हूँ, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको रस्सी लेना है और इसको धीरे से निकालना है दोस्तों, या फिर पीछे से पकड़ के रखना है। ये निकाल के धीरे धीरे देख पा रही हो आप, आराम से देख लीजिए, ये धीरे से निकाल के इसमें हम डाल देंगे और ये वापस से रस्सी हम खींच देंगे दोस्तों। ये रस्सी इसी प्रकार से होनी चाहिए, ये सबसे पहले आपको काम करना है दोस्तों। अभी एक दो रस्सी में ही दिक्कत आएगी, बाकी ये सही एकदम डल जाएगा दोस्तों। ये हमने पहली रस्सी हमने डाल दी, अब यहाँ से रस्सी हम ले लेते हैं दोस्तों आगे से। तो ये देखिए इसके आगे से निकाल लेंगे हम और इसमें भी हम डाल देंगे दोस्तों। या आप चाहे तो दो रस्सी भी ले सकते हैं माही के अंदर से, मतलब चार रस्सी भी आप ले सकते हैं दोस्तों, वो सभी आपके ऊपर है कि आपको दो रस्सी लेनी है, चार, छः, जो भी है वो आपके ऊपर है दोस्तों। इसी प्रकार से आप ताना तन जाएगा हमारा। ये देखिए आज आपको एक ही कलर में दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन बनाते समय मैं आपको अलग डिजाइन दिखा दूंगा, वो सभी आप ताना में तानेंगे। और ये एक देखेंगे सीक्वेंस के साथ चलेगा हमारा, एक चैन बनती हुई नजर आएगी दोस्तों। तो वो चैन देखिए इसमें भी हम सेम इसी में रस्सी ले लेंगे दोस्तों। हर चार रस्सी बाद में आप दावणी डाल सकते हैं एक, या फिर छह रस्सी बाद में। यदि नॉर्मल आपकी रस्सी हैं तो दोस्तों आप चार रस्सी बार डालिए, यदि पतली हैं तो छः रस्सी बार डालिए। तो इस प्रकार से आप चार या छः रस्सी बाद में डाल सकते हैं। तो मैं आज आपको छः रस्सी बाद ही दावणी डालूंगा दोस्तों, ये देख लीजिए। और उसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, देखो पीछे आपको एक चैन बनती हुई नजर आ रही है, इसी प्रकार से हम चलेंगे। देखो ये थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहिए ताकि सभी रस्सियां बराबर हमारी चलें, ये भी हमारी स्क्रॉल रहेगी, छह रस्सी हमारी हो जाएंगी, सिंगल छह रस्सी होनी चाहिए दोस्तों। बनाते समय जरूर मैं डबल लेता हूँ, लेकिन इस दावणी में सिंगल छह रस्सी डाल दूंगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना है दोस्तों। अब क्या करना है, देखो एक दावणी हमने ये डाल दिए, तो आपको क्या करना है, हर दावणी का आटा नहीं लगाना, आपको एक बार आटा जरूर एक दो दावणी छोड़ने में आपको लगा देना है। देखो एक बार हमने ले लिया है, फिर आपको क्या करना है, एक बार और ले लेना है, ये आपको दो बार लेना है दोस्तों, ताकि ये सभी रस्सी हमारी स्क्रॉल हो जाएँ। दो तीन दावणी बाद में एक आटा लगा लेना है और जैसे आपकी इच्छा करे वैसे, कि दोनों आपको बराबर होना चाहिए दोस्तों, दावणी की साइड भी आपका बराबर होना चाहिए हमारा, और ये भी बराबर होना चाहिए शेरू की तरफ भी। ये देख लीजिए इस प्रकार से थोड़ा सा दिक्कत करती है कभी कभी, ये घुंडी डालते हैं तब। और ये सिंगल घुंडी में आपको बता रहा हूँ, डबल घुंडी में बना सकते हैं आप दोस्तों। और ये हमेशा ध्यान रखना आपको एक बात और भी, कि ये रस्सी हमेशा बाहर से लेनी आपको, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे एक दावणी डाल देते हैं, फिर ये हमें डालेंगे दोस्तों, ये आपको ताना तानेंगे इस प्रकार से। धीरे धीरे चलेंगे तो पूरा सिक्वेंस आपको ताना तान मिल जाएगी। यदि डबल आपको रस्सी में घुंडी में ताना देखना है तो पर्टिकुलर आप हमारे चैनल पे जाइए और थोड़ा विजिट कीजिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों डबल घुंडी में भी और ये सिंगल घुंडी में, क्योंकि ये आसान होता है बनाने में।
जल्दी डबल घुंडी किसी हमारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर जल्दी लगा नहीं पाते हैं, इसलिए मैं सिंगल घुंडी में बता रहा हूँ दोस्तों, और डबल में भी बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो वो बड़ी चारपाई में बताता रहता हूँ डबल में, तो वो आप बना लीजिए यदि वो आपको समझ में आता है तो। ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों और सही आ रहा है तो ये आप बना सकते हैं, ये देख लीजिए या वो आप बना लीजिए, दोनों में से आप एक काम कर लीजिए दोस्तों। या और भी आप जाएंगे माई और ताना के बारे में बहुत सी वीडियोस मिलेंगे आपको, तो वहाँ से देख सकते हैं, जो आपको समझ में आएगा वो आप बना लीजिए ताना में। या दोस्तों मैंने पर्टिकुलर चीज़ की चारपाई बनाई है, लहर की चारपाई है, ताना के बारे में भी, माई के बारे में भी, तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों। आज हर छः रस्सी बाद ये दावणी डालेंगे, वैसे मैं नॉर्मल चार रस्सी बाद ही डालता हूँ, लेकिन थोड़ी पतली रस्सी है इसलिए मैं छः रस्सी बाद ही डाल रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं चार रस्सी बाद ही दावणी डालता हूँ दोस्तों ज़्यादातर। आपको बता देता हूँ, देखो ये रस्सी हमारी लूज हो गई, थोड़ी सी बराबर रखी ताकि सभी रस्सियाँ बराबर चलती रहें हमारी। ताना में बस नॉर्मल आपको ताना ताना, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना तो ज़्यादा लूज भी नहीं रखना। या फिर एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ बीच में एक लकड़ी लगा सकते हैं आप, तो आपको क्या होगा, ये नॉर्मल रस्सी हो जाएंगे हमारी, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सभी आपके ऊपर है कि आपको लकड़ी लगाना, क्योंकि बहुत सी चारपाई मैंने लकड़ी भी लगाता हूँ दोस्तों, तो वो आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग आप बना सकते हैं। इसमें सबसे आसान है, इस चारपाई में आपको लहर की चारपाई मिलेगी। लहर में आपको क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूँ, 3 की लहर, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की लहर, वो देख सकते हैं। या फिर उसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, फूल भी देख सकते हैं। तो ये सभी आपके ऊपर है दोस्तों, फूलों की बनानी है या लहर की बनानी, क्योंकि आसान तो होती है वो लहर की चारपाई होती है, इसलिए मैं आपको लहर के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की लहर, वो देख सकते हो। उसके अलावा और भी डिजाइन्स की मैंने लहर बनाई है, कई डिजाइन्स में दोस्तों मैंने लहर बनाई है, वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा विजिट करना होगा तभी आपको समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। ये सभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चारपाई अच्छी लग रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे देखो ताना तनता हुआ नजर आएगा, ये चैन आपको बनती हुई नजर आएगी। ये चीज़ आपको देखो विशेषकर ध्यान रखना है, ये चैन का, ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखना चैन का, ये चैन आपको बनती हुई नजर आएगी दोस्तों, तभी आपको सही एकदम ताना तनता रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, हर 6 रस्सी बाद में मैंने दावणी डाल दी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। यदि और भी आपको डिजाइन्स देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलेगा, मुड्डा के बारे में मिलेगा, जो डोकों से मुड्डा कैसे बनाया जाता है, तो उनके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें अंत तक देखें, और दोस्तों सभी पार्ट देखें उसमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, तभी आपको पूरी डिजाइन को समझ में आएगा दोस्तों, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, जो राइट साइड में आपको रेड कलर का बटन दिखेगा नीचे की तरफ, उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइबर, तो उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों एक अंगूठा का निशान होता है ऊपर की तरफ, वो दबा दीजिए, और नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये सभी आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए धीरे धीरे देख लीजिए, इस प्रकार से लेंगे, इसमें हम कुंडी में डाल के इस प्रकार से आपको निकाल लेंगे, तो ये हमारे के लिए डल जाएगी दोस्तों। ये मैं आपको दिखाता रहता हूँ, देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, और नॉर्मल आपको ताना ताना है, ये एक ले लीजिए हमने, फिर इसमें आप फंसा देंगे, और यहाँ से ये देखो धीरे से का आप निकाल देंगे, ये आ गया है, फिर इसमें हम किल्ली डाल देंगे दोस्तों। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे तभी आप बना पाएंगे दोस्तों। या फिर बोतल में चारपाई के बारे में देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, और बोतल में चारपाई भी डाल के दिखाई आपको दोस्तों। वो आपको वीडियो के नीचे अंडरलाइंस में आपको एड्रेस मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी, दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सभी आप बनवा सकते हैं, या फिर थोड़ी सी का मेहनत करेंगे तो आप भी बना सकते हैं दोस्तों। आपको ये है कि मेहनत करना होगा कि कोई डिजाइन्स की चारपाई हो दोस्तों, वो भी बनवा सकते हैं, बोतल की चारपाई आप बनवा सकते हैं, या मुड्डा भी, छोटी मुड्डी होती है वो बनवा सकते हैं दोस्तों। ये सभी मैं ज़्यादातर आप देखेंगे हमारे चैनल पर, तो आपको सीख भी सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। उसमें सभी चीज़ मैंने बताया कि किस प्रकार से आपको माई गूँथना है, ताना तानना है, मुड्डी कैसे बनाना है, तो वो सभी बताए। उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो भैंस की छिक्की होती है, मोरी होती है, वो भी मैंने बताया, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चारपाई में ताना तनता हुआ नजर आएगा, और ये सभी चीज़ हमारे चैनल पे देखेंगे, या आपको डोर मैट भी मिलेगा देखने के लिए, ये बहुत सी चीज़ आपको देख पाएंगे दोस्तों।
तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए पूरी चेन बन गई, पूरा ही हमारा ताना तन गया, और ये भी डिजाइन की आपको दावणी डाल दी है। तो ये सभी आप कर सकते हैं दोस्तों, तो ये सभी आपको बनाना है तो बहुत ही आसानी से ताना तानी है। और उसके बाद में आगे के डिजाइन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको पार्ट थ्री में बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।